गुड मॉर्निंग फ्रेंड, नमस्ते, जय श्री कृष्णा। मैं हूँ रवि फीचर और आपका स्वागत है मेरे चैनल में। और मैं आज आपके लिए ट्रोडोल के लिए स्पेशल एक एफ एल लेके आया हूँ, जिसके अंदर काफ़ी रिक्वायरमेंट के बाद मीना जैसे एफ एल डेवलप कर लिया। कि काफ़ी लोग की रिक्वायरमेंट थी कि क्रूड के लिए कोई स्पेशल एफ एल बनाओ कि जिसके अंदर अच्छा प्रॉफिट हो। तो आज सक्सेसफुल और डेवलप हो चुका है, तो आज ही मैं उसका डेमो भी दिखाऊंगा आपको और वो कैसे वर्क करता है वो भी मैं दिखाऊंगा। अभी जो स्क्रीन ली वो मेरे एफ एल की स्क्रीन है, ठीक है। अब मैं आपको एक सबसे पहले एफ एल का पूरा डेमो बताने से पहले उसकी कुछ बारीकी समझा जाता हूँ। जब हमारे चार्ट के अंदर बाई या सेल एरो आएगी, ठीक है, उसके बाद आपको दो लॉट के साथ क्रूड में एंट्री करनी है। अगर आप बड़ा ही क्रूड खेलने के लिए अवेलेबल नहीं है तो आप मिनी क्रूड भी खेल सकते हो। मिनी क्रूड आप दो या चार लोट से कर सकते हो, लेकिन आज छुपी के दो चार छः इसी तरह करने का है, ठीक है। और बाइक करने के बाद जब आप बाइक करते हो, यहाँ पे बाई रोज आपका बाई सेम कैंडल पे या तो नेक्स्ट कैंडल पे आ गया। और क्रूड का चार्ट हमेशा एक फल कल 5 मिनट पे ही वर्क करेगा, ठीक है, बेटर रिजल्ट के लिए। बाइक करने के बाद आपको क्या करना है, बाइक करते हो आप तो उसके बाद जो हमने रजिस्ट्रेशन लाइन लगाई है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड लाइन है। थर्ड लाइन आउट ऑफ स्क्रीन है और थर्ड लाइन 3660 के भी आज के लिए, ठीक है। 26 जनवरी है और आज मार्केट क्लोज है, तो एक कल 25 जनवरी का क्लोजिंग पे चार्ट है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आप जब बाय करते हो उसके बाद सेकंड रजिस्ट्रेशन लाइन जो आएगी वहाँ पर आपको एक लॉट एग्जिट करना है। सपोज मान लो आपने यहाँ पे बाय किया है 3610 3615 के आसपास, तो सेकंड रजिस्ट्रेशन लाइन जो आती है रेड वाली वो है 3630 की। तो 3630 के करीब जब भी क्रूड पड़ता है तो आपको एक लॉट से एग्जिट कर देना है। ठीक है, आप फर्स्ट लॉट जब एग्जिट कर दो फर्स्ट और रजिस्ट्रेशन लाइन पे, तो उसके बाद जो सेकंड लॉट आपका जो बचा उस लॉट को आप तो स्टॉप आउट लेवल पे स्टॉप लॉस के साथ कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो कैरी ऑन, और या तो आप सेकंड रजिस्ट्रेशन लाइन पे उसे एग्जिट कर सकते हो। वहाँ भी एग्जिट नहीं करना है तो आप स्टॉप आउट लाइन स्टॉप के साथ कंटिन्यू बने रहे टिल द टारगेट थर्ड और तीसरा से दूसरा सेल सिग्नल आए तब तक, ठीक है। अभी मैं आपको इसका बार रिप्ले दिखाता हूँ जिससे आपको इजली आइडिया कि मार्केट किस तरह मेरा एफएल वर्क करता है। मैं पिछले 3 दिन का रिप्ले बताऊंगा, 23 जनवरी से ले लेता हूँ, 23, 24 और 25 दिन के हो जाए, 26, 72 हो जाए छुट्टी है। ठीक है, 23 तारीख का बार प्ले स्टार्ट हो गया। और आगे मैं बढ़ने से पहले आपको एक चीज बताऊंगा, मैंने इसका अंदर एक रिलैक्स जोन भी रखा है। अभी आप देख सकते हो कि मार्केट रिलैक्स जोन के अंदर है। रिलैक्स जोन मैंने जो नॉन रिस्की डेट वो को बाय लवर जिसको ज़्यादातर बाय करने पसंद होता है, शॉर्ट सेल पसंद नहीं होता है, ऐसे लोगों के लिए मैंने रिलैक्स टाइम भी रखा है कि जो केवल डिप बाय एंड राइज पे सेल करना चाहते हैं वो शॉर्ट सेल करने में उसे रुचि नहीं है, केवल बायरों के लिए एक्शन रखा है, ठीक। अगर आप हाईस की ट्रेडर हो तो आपको चार्ट पे राइट क्लिक करके पैरामीटर में जाके ट्रेडर जोन एक्टिव करना है। जैसे आप ट्रेडर जोन एक्टिव करते हो उसके बाद आपको सेल सिग्नल भी मिलना स्टार्ट होगा। ये आईडी की डाइट है जिसके अंदर बाई सेल शॉर्ट सेल सब इसके अंदर साथ में आता है, ठीक है। मैं सेल सिग्नल 3637 पे एक्टिव है और मार्केट है 3631 अभी। और जो व्हाइट लाइन जो आपको दिख रहा है वो मूविंग एवरेज लाइन है, ये कोई सुपर 1080 लाइन नहीं है, ठीक है, ये मूविंग एवरेज लाइन है। तो जो मैं 3637 पे शॉर्ट सेल बना हम उसे निकालेंगे कहाँ पे, मैं पहले सपोर्ट पे, पहला सपोर्ट है 3610 का, तो 3610 की आप लिमिट अभी से रखें, उसके आगे पीछे एक दो पॉइंट की या तो स्टिक द वेट तो टच द प्राइस, लेट्स सी क्या होता है मार्केट देखते हैं। अब देख सकते हो कि यहाँ पे मार्केट दो बार घुमा सपोर्ट लाइन को देखा कंटिन्यू मूविंग रेट पे,
और अगर मार्केट ब्रेक कर देती है, आप शॉर्ट सेल बनना होता तो आपको स्टॉप लॉस रख देना रिजन वन का 3643 का, ठीक है। ठीक है, मार्केट अभी नीचे ही जा रहा है। ओके, टच हो गए और हमारा एक लॉट प्रॉफिट बुक हो गया 3610 पे। अब सेकंड लॉट को हम स्टॉप आउट लाइन से कैरी फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है, फॉर द नेक्स्ट सपोर्ट लाइन। नेक्स्ट सपोर्ट लाइन है 3576 की, जो यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, मार्केट नेक्स्ट सपोर्ट लाइन भी टच कर ली और हमारा 100% प्रॉफिट बुकिंग हो गया। और आए एक बात, कभी कभार क्या होता है कि कैंडल जो हमारा ये जो लाइन है, इससे वैसे तो सुपर ट्रेंड, लेकिन प्योर सुपर ट्रेंड भी नहीं, मैंने इसके अंदर भी एक मूविंग डाल के रखी है सुपर ट्रेंड के साथ ही। कभी भी इसी तरह बाई सिग्नल तुरंत जनरेट हो तो स्टिल द वेट कैंडल क्लोज, चालू कैंडल पे कभी भी कोई भी सिग्नल है तो उसे फॉलो नहीं करना है, कैंडल क्लोज और नेक्स्ट कैंडल तक का वेट करना है, बी केयरफुल, ठीक है। और मैं आपको एक और चीज बता दूं, कभी बाई सिग्नल आए या सेल सिग्नल आए, जैसे बाई सिग्नल आता है और आप मूविंग एवरेज की लाइन के नीचे बाई सिग्नल जनरेट हो जाता है तो उसे उस टाइम इग्नोर कर देना है, ठीक है। बाय सिग्नल आया तो बी श्योर कि वो मूविंग एवरेज लाइन के अबाव ही होना चाहिए। ओके, बाय सिग्नल जनरेट हो चुका 3612 पे। यहाँ पे क्या हुआ, 3612 पे बाय सिग्नल जनरेट हुआ और वही सपोर्ट वन है, ठीक है, लेकिन ये सपोर्ट है, नॉक के रीजन हमारा रीजन वन करीब 3643 के आसपास का है। तो अभी आपको क्या करना, आप यहाँ पे बाई सिग्नल जनरेट हुआ तो आप 3602 के आसपास का स्टॉप लगा सकते हो, यहाँ पर मूविंग एवरेज के आसपास का, और रियल स्टॉप लॉस इसका बनता 3583 का। दो लॉट है तो एक लॉट का स्टॉप लॉस 3602 का लगा दो, एक लॉट का यहाँ पे लगा दो। ठीक है, यहाँ पे लाइन टच हो गया तो हम आपको एक लॉट स्टॉप लॉस लगाए और आपको यहाँ से एग्जिट हो जाता है, तो नो प्रॉब्लम, एक लॉट तो आपके पास अभी कंटिन्यू और स्टॉप लॉस मॉडिफाई का टाइम हो गया 3597 का। अब आपके पास कॉल एक ही लॉट है, ठीक है, दिन चेंज हुआ, ओके, ए डे चेंज का टाइम है, एक डे चेंज हो गया, 24 जनवरी आएगी, 23 जनवरी क्लोज हो गई। डे चेंज होने के बाद नए सपोर्ट एंड नए रजिस्ट्रेशन मिलेंगे, और नया रजिस्ट्रेशन मिला आपको पहला 3627 का, और नया सपोर्ट मिला क्लोजली 3613 का, ठीक है। तो आपको 3647 का जो टारगेट था वो मॉडिफाई हो गया, आपका टारगेट 3627 के करीब हो गया। और आपका स्टॉप लॉस अगेन मॉडिफाई हो गया 3617 का, जो ऑलमोस्ट प्रॉफिट में आ गया 5 पॉइंट में। ठीक है, मार्केट ने यहाँ पे टच किया 3617, तो आपके पास एक लॉट बचा था, उस लॉट से भी एग्जिट हो गया, यानी आपका कॉल इज ओवर, अभी आपके पास कोई भी पोजीशन नहीं है।
इसी तरह आप स्ट्रिक्टली मेरे नियम फॉलो करके इजिली लिक्विड के अंदर प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। अभी मैं आपका इसका बैक टेस्टिंग बताने जा रहा हूँ। बैक टेस्टिंग करते हम न्यू एनालिस, ठीक है, करंट स्टॉक कॉल कोटा एंड सेटिंग में मैं 4000 इक्वायरमेंट रखता हूँ, क्योंकि अब जब क्रूड को स्कैन करते हैं तो लोएस्ट क्रूड की प्राइस ऑलमोस्ट में 1819 थी और आई थी 3000 से, यानी वन लोड के साथ ही इसका मैं काउंट डाउन स्टार्ट करूंगा, दो लोड से नहीं, 4000 रखते हैं जिससे मैक्सिमम वन लोड ही बाय कर सके। लॉन्ग शॉर्ट 5 मिनट, स्टार्ट बैक टेस्टिंग हो गया और अब इसका रिपोर्ट जनरेट करते हैं। इसका रिपोर्ट आ गया, एनयू रिटर्न इसका आया 37%। नेक्स्ट एडजस्ट नेक्स्ट फिक्स एडजस्टमेंट रेशियो 183%, 500 ट्रेड किए, 270 ट्रेड लॉस में है और 230 ट्रेड नहीं 230 ट्रेड बाई वाले हैं और 230 ट्रेड शॉर्ट वाले हैं, ठीक है। और एक पोजीशन हमारी यहाँ पे अभी ओपन है जो भी हमने देखी बाई वाली है। ठीक है, आप 37% न्यू रिटर्न इज अ वेरी गुड रिटर्न मेरे ख्याल से, तो मुझे तो इतना रिटर्न काफी है, और किसी को ज्यादा चाहिए तो उस लोगों की बात है, लेकिन मार्केट में जितनी ज्यादा लालच इतना ज्यादा लॉस। फ्रेंड आपको फॉर्मूला चाहिए मेरा FL, तो आप सबसे पहले तो मेरे GPay पेमेंट गेटवे से आप इस FL में लाइफ टाइम के लिए दे रहा हूँ, और इस FL की कॉस्ट केवल 5000 रुपीज़ है लाइफ टाइम के लिए, तो आप जैसे ही 5000 पे करते हो आप गूगल या किसी भी जगह ब्राउजर में जाके मेरे GPay के लेंगे, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, ठीक है। आप यहाँ जाकर अपना मोबाइल नंबर, नाम, ईमेल आईडी, अमाउंट, आपका सिटी और रिमार्क में डाल देना क्रूड ऑयल FL। इतना डालने के बाद आप आगे प्रोसेस करोगे और उसके बाद आपको मुझे 13 डिजिट का FL आपका 13 डिजिट ट्रांजेक्शन आईडी मुझे बाय कमेंट में दे देना यूट्यूब पे, कि मेरा ट्रांजेक्शन आईडी है, मुझे आपका FL प्रोवाइड करो, तो हम तुरंत ही आपको बाई मेल जो यहाँ पे मेल डाला होगा उसी मेल पे आपको FL कोड प्रोवाइड किया जाएगा, आपका ट्रांजेक्शन आईडी और ईमेल आईडी मैच किया जाएगा, उसके बाद इसी पे आपको FL कोड मिलेगा लाइफ टाइम, और भी ओपन सोर्स FL रहेगा आपको इसी तरह का, ठीक है, ओपन सोर्स ही आपको FL मिलेगा, कोई डेवलपर ही मिलेगा, आप यूजली इसके अंदर कुछ भी मॉडिफाई करना तो मॉडिफाई कर सकते हो, और इसकी अनलिमिटेड लाइफ टाइम के लिए चलेगा। थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग, इफ यू लाइक माई वीडियो सो प्लीज गिव अ थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।